जय श्री कृष्ण। कर्मकांड, पूजा मंत्र, स्तोत्र, व्रत कथा एवं सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट पाने के लिए घंटी की निशान को भी दबाएं। जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ 2021 में जो गुप्त नवरात्रि हैं वो कौन सी तारीख से प्रारंभ हो रही है, किस समय जो कलश स्थापन है वो हमें करना है, कैसे देवी देवताओं की पूजा करनी है, संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूँ। पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। सबसे पहले आपको बताऊँ कि जो माघ का महीना होता है उसमें जो शुक्ल पक्ष होता है उसी तिथि से गुप्त नवरात्रि होती है। हमारे इस वर्ष के अंदर चार नवरात्रि होती है, दो विशेष रूप से मनाई जाती है अश्विन और चैत्र महीने में, और दो गुप्त नवरात्रि होती हैं। गुप्त नवरात्रि का मतलब ये होता है इसमें की गई पूजा जो होती है वो हमारी विशेष फलदायक होती है, इसलिए गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा करनी चाहिए या आपके जो इष्ट देवी देवता हैं उनकी पूजा आपको करनी चाहिए। तो 21 फरवरी तक गुप्त नवरात्रि रहने वाली है और 12 फरवरी से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। 12 फरवरी शुक्रवार 2021 से प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन प्रातःकाल 6 बजे से आप 7:20 तक आप लाभ का चौघड़िया है तो उसमें आप कलश स्थापन जो है वो कर सकते हैं। और इस दिन सूर्य है वो कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो वसंत ऋतु का आगमन हो रहा है। पंचमी जो आएगी बीच में उसको वसंत पंचमी मनाई जाएगी, उस दिन माता सरस्वती की विशेष पूजा की जाती है। 21 फरवरी को आप हवन करना चाहिए दुर्गा जी का, क्योंकि उस दिन अष्टमी है तो 21 तारीख को माता दुर्गा की विशेष पूजा हवन इत्यादि करना चाहिए। अब जानते हैं कि पूजा कैसे करनी है। प्रातःकाल उठ करके 8 दिन नवरात्रि जब तक चलें स्नान इत्यादि करके शुद्ध अवस्था में माता दुर्गा के सामने बैठ करके जो भी आपके मन की कामना हो उस कामना को लेकर के जो विशेष मंत्र हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, इन मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए। तो सबसे पहले धन की कामना, पुत्र की कामना, ये माता दुर्गा का विशेष मंत्र है, इसको आपको जरूर बोलना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, सर्वा बाधा विनिर मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। कैसे बोलेंगे? सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इस मंत्र का आपको पूरे नवरात्रि के अंदर जाप करना चाहिए। इससे धन की कामना जो है आपकी, धन की वृद्धि होती है इस मंत्र को जपने से। शुद्ध अवस्था में नित्य कम से कम 108 बार आपको इसका जप करना चाहिए और इसी मंत्र से अंतिम दिन नवरात्रि का जो हो उस दिन 21 फरवरी को इसी मंत्र से हवन करना चाहिए। तो ये थी गुप्त नवरात्रि की विशेष जानकारी। हमारे YouTube चैनल पर अगर आप नए आए तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस YouTube चैनल पर आपको कर्मकांड सीखने के लिए बहुत सारे मंत्र मिलते रहते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।